में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1517 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में अब तक कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 9,66,007 हो गई, जिनमें से 9,09,525 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस वबा ने मज़ीद 17 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 22,459 हो गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.27% है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मंजूर। आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी में जमानत का बलस गिरफ्तारी की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने की। इस्लामाबाद में खातून और लड़के पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम उस्मान मिर्जा साथियों समेत गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही जंगल में आग की तरह फैल गई और वीडियो आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान तक पहुंच गई, तो इन्होंने वकुआ का फौरी नोटिस लेते हुए एसएसपी ऑपरेशंस को मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वीडियो में नजर आने वाले मुलजिम उस्मान मिर्जा को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। बरेसगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार इंतकाल कर गए। दिलीप कुमार के अहले खाना की जानिब से इनके ट्विटर अकाउंट पर अदाकार के इंतकाल की तस्दीक की गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 98 साल दिलीप कुमार को गुज़िश्ता दिनों सांस लेने में दुश्वारी की वजह से मुंबई के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो इंतकाल कर गए।